नमस्कार दर्शकों, कैसे हो? और आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दर्शकों, आज से हम कुछ दिनों तक यानी कुछ दिनों से आज तक हम मानो जैसलमेर में स्टे कर रखा, हमने जैसलमेर में रुके हैं कुछ दिनों से। तो मैंने यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर की है और आज सोच रहा हूँ कि मैं जैसलमेर रुका हूँ तो जैसलमेर दिखाऊँ आपको, जैसलमेर मार्केट की शेयर करूँ और जैसलमेर क्षेत्र कैसा है वो मैं इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। चलिए, अब हमें स्नान करके और हम होटल से अपने यहाँ से निकले हैं और जब हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो आपको ले चलते हैं, मार्केट दिखाते हैं किस प्रकार का बाज़ार है, किस प्रकार की गलियाँ हैं और किस प्रकार की ट्रैफिक है, वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस प्रकार, और हम चल रहे हैं मार्केट की तरफ। और ये कलर है ना, ये पहाड़ी, इस तरह के मकान आपको यहाँ पर होटल वगैरह सब इस तरह के मिलेंगे जो सामने नज़र आ रहा है आपको। कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है, इस तरह के ही मकान और बिल्डिंग वगैरह इस बाज़ार में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का कुछ नज़ारा, ये मार्केट से आउटसाइड है कुछ, और यहाँ पर चारों तरफ आपको वाहन ही वाहन नज़र आएंगे, गाड़ियाँ। ये देखिए, ये पार्किंग मानो। और चलिए कुछ आगे और चलते हैं, आगे देखते हैं कैसा है। ये देखिए सामने वाला, ऊपर वाला कितना सुंदर नज़र आ रहा होगा। एक चीज़ सामने नज़र आ रही है पहाड़ के ऊपर और वो है सनसेट पॉइंट, मतलब वहाँ से पूरा जैसलमेर नज़र आ रहा है। पहले हम वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद आपको और चीज़ें दिखाएंगे। पहले मैं यहाँ का कुछ मार्केट का व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पर किस प्रकार है। ये देखिए, ये मार्केट है जैसलमेर का और सामने वो हवेलियाँ, इस प्रकार की हवेलियाँ हैं, कितनी शानदार नज़र आ रही है, शानदार कलर है ये, इस प्रकार का इस साइड का मार्केट और इस साइड का कुछ व्यू इस प्रकार। ये देखिए सामने क्या नज़ारा है, जहाँ से जाया जाएगा ये बता रहे हैं, यही रास्ता होगा साइड। वैसा वो सनसेट पॉइंट यही रास्ता जाता है, यही जाता है, चल रहे हैं। तो जैसलमेर में अगर आप कम खर्चे में रहना चाहो तो मेरी तरह रह सकते हो। मैं जहाँ पर रहता हूँ, जिस भी शहर में जाता हूँ, तो वहाँ पर कोई भी मानो हॉस्टल है उसमें रूम ले लेता हूँ। रूम का अगर चार्ज हम मिनिमम करें तो लगभग 100 रुपये के अंदर हमें 12 घंटे रहने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप रह सकते हो। इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो खाना आजकल हर शहर में पॉसिबल है, कहीं पे भी खा सकते हो, तो आप अपने हिसाब से कैसे भी खा सकते हो। इस जैसलमेर से आप चारों तरफ मानो तनोट माता बहुत सारी जगह की आप यात्रा कर सकते हो। इस साइड तो मार्केट रह ही गया, हम आपको लेकर आए ना, दिखाएं आपको। ये देखिए सब्जी मार्केट, वाह। हम आगे से पहले, उसके बाद आपको पहले आगे इस साइड ले जाएंगे, उसके बाद ले आगे जाएंगे। और वो अपना सनसेट पॉइंट वो ऊपर पहाड़ के ऊपर है, चलिए वहाँ से जैसलमेर पूरा नज़र आता है, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं कि आप वहाँ पर जाओ और वो देख कर आओ। तो दर्शकों, इस प्रकार का व्यू है और हमें एक भाई साहब ने बताया कि इस बिल्डिंग जो सामने नज़र आ रही है इसके पास से जाओ आप सीधे और आप सनसेट पॉइंट की तरफ पहुंच जाओगे। एक चीज़ दिखाएं, होटल, इस प्रकार के होटल जैसलमेर में मिलेंगे देखने को। ये देखिए ये होटल है, कितने सुंदर है ना इस साइड के। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना सुंदर है। अब ये देखिए सामने का व्यू, जैसलमेर में हम घूम रहे हैं तो कुछ आनंद भी आ रहा है। और बच्चे नज़र आ रहे हैं, बच्चों से पूछेंगे आगे सनसेट पॉइंट की तरफ। ये आपको बताएं, ये घर है कितना सुंदर, कितने सुंदर ये कलर भी इनका देखिए कितना सुंदर है जैसलमेर का। बच्चे क्या कर रहे हो? अच्छा पतंग, ये टूट क्या है? आप हम बताए, ये ऊपर सनसेट पॉइंट जाने का रास्ता कौन सा है? पतंग घनी बड़ी मोटी होती है। नहीं, ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है? ऊंचे
सीधा सीधा तो बंद है आगे से। नहीं नहीं रास्ता से जाना, सीढ़ी के ऊपर जाना होगा। अच्छा सीढ़ी के ऊपर से जाना पड़ेगा, यही रास्ता जाता है भाई साहब सनसेट पॉइंट की तरफ। अच्छा तो भाई लोगों ऊपर आगे रास्ता बंद नजर आ रहा है, पर बोल रहे हैं कि सीढ़ी के ऊपर से जाओ। अब कैसे जाएंगे, कैसे होगा क्या पता, देखते हैं। तो देखिए जैसे मानिए हम किसी कॉलोनी के अंदर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों के जरिए हम जा रहे हैं और देखते हैं आगे। अभी तो मास्क उतार लेता हूँ ना, यहाँ पे क्या कौन बोल रहा है कि आपने मास्क नहीं लगाया। वाह ये अपना जैसलमेर दिखाए आपको आगे से, ये देखिए भैया इन सीढ़ियों के द्वारा हम जा रहे हैं। अच्छा टाटा, क्या नाम है, क्या नाम है बाबू आपका, क्या नाम है आपका, है तलीन। ओह अच्छा ये देखिए भाई लोगों कुछ इस प्रकार का नज़ारा, ये अपने इंडिया में ऐसे तो कुछ नज़र आ रहे होंगे। ओ भाई ये तो पहाड़ है और ये सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो दर्शकों हम कुछ यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको दिखाएं पीछे का नज़ारा, ये देखिए भाई लोगों कुछ कुछ जैसलमेर नज़र आ रहा है और इस साइड का ऐसे, इस साइड का ऐसे, ये देखिए लोग देख रहे हैं इस साइड मुझे कि क्या कर रहा है। ये सीढ़ियाँ तो बहुत ऊंची है, चल रहे हैं। ये देखिए एक चीज़ दिखाएं आपको, ये ऊपर पहाड़ है और ये पहाड़ से पत्थर टूट कर आ रहे हैं, ये देखिए ये पहाड़ से पत्थर टूट कर आ रहे हैं। हमारा सनसेट पॉइंट आगे ऊपर है, चल रहे हैं इन सीढ़ियों से। ओ ये देखिए पत्थरों इस पहाड़ की वजह से पूरा टूट चुका है, दिखाएं आपको, ये देखिए ये पूरे पत्थर आते हैं, ये सारे पत्थर ऊपर से आए, ये देखिए। रास्ता भी बड़ा मुश्किल हो गया। ओ भाई लोगो यहाँ से कैसे जा, अरे वाह मैं अभी अपना जो जगह है वो थोड़ी ऊपर और है, ऊपर से अच्छा दिखाई देगा। यहाँ तक पहुँचा हूँ तो यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है जैसलमेर, ये अपना जैसलमेर कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है यहाँ से। ओ गॉड सामने वाला किला देखिए, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये किला है बड़ा नज़र आ रहा है, अब है कौन सा हमें भी पता नहीं है। पूरी जांच पड़ताल करेंगे फिर हम किले की तरफ जाएंगे, अगला वीडियो शायद किले का डाल देंगे क्योंकि किला यहाँ से बहुत सुंदर है। ये जैसलमेर पूरा नज़र आ रहा ना, नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार, इस प्रकार का नज़ारा जैसलमेर का। अच्छा मुख्य पॉइंट यही है क्या पॉइंट, सनसेट पॉइंट यहाँ से देखा जाता है पूरा जैसलमेर है ना। अच्छा ये भाई लोग है, क्या नाम है आपका, मेरा नाम झुंझाराम। क्या झुंझाराम, झुंझाराम। और आपका दिनेश, दिनेश। अच्छा कुछ देर बैठ के बातचीत करें आपसे। अच्छा अच्छा लो भाई बैठ गए हैं, पास से बैठते हैं। क्या नाम बताया आपने, दिनेश झुंझा। दिनेश झुंझा, यहाँ पे क्या कर रहे हो, पतंग वगैरह उड़ाने आए थे। अच्छा पतंग उड़ाने आए हो, पतंग कहाँ पे है, पतंग कट गई, उदास बैठे हो ना। चलो थैंक यू बाय बाय। ओ भाई अब दिखाते आपको जैसलमेर। नमस्कार भैया, क्या कर रहे हो भाई साहब, वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक। अच्छा इंस्टाग्राम रील, अच्छा क्या नाम से आपका इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम में नाम मेरा धर्मू है। अच्छा धर्मू नाम से आईडी आपका, आपका धीरज भार्गव। धीरज भार्गव, कितने फॉलोअर है, लाइक फॉलो बढ़ाओ यार, फॉलो बढ़ाना हमको भी देखो यार। अरे देख कोशिश कर रहे हैं अपनी। हाँ हाँ वो सही है, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ कोशिश करने वालों की हार भी नहीं आती। अच्छा वो क्या चीज है इस साइड वाला, वो कुछ नजर आ रहा ना। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर क्या है,
क्या है कि इधर राजा वगैरह होते हैं ना, हाँ उसकी डेट होती है तो इधर, हाँ वो शमशान घाटी हो गया ना उसका, बड़े भाग में और छत्रिया ऐसी ऐसी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। वो फोर्ट किसका है? ये फोर्ट दरबार का है। दरबार का है, घूमने में अलाव है उसमें? अलाव है ना, चार तोप है इसमें। अच्छा अच्छा, चार तोप है अभी, और कुछ चार्ज वगैरह लगता है उसके अंदर? चार्ज वगैरह लगता है, गाइड ले लोगे तो आपको पूरा किला एकदम बता दो, बढ़िया अच्छा घुमा देगा। ये बैठा है गाइड पास में, पास में बैठा है, आप ही हो गाइड? मैं अभी फ्री नहीं हूँ। आप फ्री नहीं हो, अभी क्या कर रहे हो? अभी तो रील बना रहे हो ना, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा ये जैसलमेर इतना ही है ना, ये पूरा यहाँ से नजर आ रहा है ना? यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी में जैसलमेर फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। अच्छा वो सामने वाले वो पंखे नजर आ रहे हैं ना कुछ? हाँ बड़े बाग है, 5 किलोमीटर दूर है, बड़े बाग गाँव है। ये देखिए और पता क्या है, चढ़े न्यूज़ में बड़ा हटते जाओ चलता कोई बात ले आओ ले कोई भाव बड़ा ना, वो वीडियो काट लो क्या अपन क्या करो चलो ठीक है भैया, ठीक है क्या बड़ा बड़ा है ये दो करिया दही वाली है ये भाई जैसलमेर नीचे से कुछ इस प्रकार दिखाते हैं आपको। लो भाई लोगो इस प्रकार है नज़ारा कुछ यहाँ से, और ये अपना ये देखिए पहाड़ के पत्थरों से बनाया है ये भाई लोगो, क्या बात है ऊपर का नज़ारा, ऊपर देखिए अब ये कुछ इस प्रकार बना। ये देखिए इंस्टाग्राम रील बना रहे, तो भाई लोगो हम अभी खड़े हैं अपने उस सनसेट पॉइंट पर, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से खड़े होकर यहाँ का नज़ारा जैसलमेर का देख सकते हो, और ये कुछ बनी है यहाँ से बैठ के भी आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, जैसे ये भाई लोग बैठे हैं दो, और यहाँ से भी देख सकते हो पूरा जैसलमेर यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर। तो कुछ देर हम भी बैठ लेते हैं यहाँ पर, या भाई यहाँ पर ऐसे बैठते देखते हैं नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। अगली जर्नी हम कुछ दिनों तक जैसलमेर रहे, तो यहाँ के क्षेत्र से परिचित करवाने में लगे आपको, और अगली जर्नी हम सोच रहे हैं जैसलमेर डेजर्ट, जो डेजर्ट सेम है, क्या नाम है उसका, डेजर्ट सेम रेगिस्तानी सेम, सही है रेगिस्तानी सेम, उस तरफ जाएंगे और वहाँ के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। तो कुछ दिन यहाँ पर आनंद लेते हैं, उसके बाद अगली यात्रा पर हम निकलेंगे। तो कुछ दिन यहीं के नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों ये आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली नई ऐसी एक बहुत ही अच्छी जानकारी और अच्छे वीडियो में, तब तक धन्यवाद।